सो मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़, 8:20 हो रहे मेट्रो का इंतज़ार। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज नादा साहिब गुरुद्वारा आए। ये देखिए सामने, आज गुरु नानक की बर्थडे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये है नादा साहिब गुरुद्वारा। ये देखिए अच्छा, तो उस एरिया में थे वो, तो मैं कह रही यहाँ लोगों के पास तो पैसे नहीं। सो ये शिमला जाने से पहले चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे चेकिंग होती है। शिमला पहुँच गया अभी। अभी हम कुफरी की तरफ जा रहे हैं। कुफरी अब यहाँ से थोड़ा ही दूर है। कुफरी की तरफ शेर पंजाब होटल है, रेस्टोरेंट। ये देखिए कितना अच्छा मॉल है, ये रास्ते पे ही आता है। सो ये ABC ढाबा है। ये देखिए इधर TV भी है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। इसे व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए यहाँ से कुफरी से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यहाँ पे पार्किंग सिस्टम भी है। कुफरी आ गया, टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाले। तो ये हम नारकंडा पहुंच गए। ये देखिए यहाँ का वेदर कितना अच्छा हो रहा है, फॉगी फॉगी सा है। साढ़4:30, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है।
ये है रामपुर, सो यहाँ पे चेकिंग होती है आगे जाने से पहले, इसे स्ट्रेट निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस अल्टरनेट नंबर लिखवाना पड़ता है और फिर आगे जाने देते हैं। साइड पॉइंट है सब हम कवर करेंगे, अभी हम जा रहे हैं नीचे। चलो तो हम यहाँ पे द एल्पाइन क्रेस्ट कल्पा में रुके हुए, ये होटल का रिसेप्शन है और यहाँ से ही सारे रूम्स ऊपर ही है, ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ से बाहर निकलने पे पार्किंग एरिया, ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, ये होटल का एंट्रेंस है, यहाँ पे हम रुके हुए आज। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दो तीन पॉइंट्स है वो देखेंगे और फिर रिटर्न आ जाएंगे आज इस होटल में। सो ये हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे कल्पा में नाग नागन टेम्पल है तो वो विज़िट कर रहे हैं। ये होटल के यहाँ से ही रास्ता है, यहाँ पे देखिए एप्पल गिरे हुए, ये रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे अभी। लोकल रोड है यहाँ के नीचे जाने के लिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है पूरा जगह। चलिए आगे मिलते हैं। ये देखिए ये रास्तों से हम अभी नीचे उतरेंगे और मेन चौक की तरफ जाएंगे, कितना अच्छा है पूरा जर्नी, मस्त धूप खिली हुई है। आज डेट है 10 नवंबर, अगर कोई नवंबर में आना चाहता है तो आ सकते हैं मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम मंदिर के रास्ते आ चुके, कितना अच्छा है देखिए पहाड़ों पे, यहाँ पे हमें ऊपर जाना है। कल्पा में आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट जरूर करना। ये देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे अभी। ये देखिए ये है नारायण नगिनी टेम्पल कल्पा में, देखिए ये वो टेम्पल। देखिए यहाँ का पुराना टेम्पल है ये,
टेंपल अभी बंद है लग रहा है। ये कितनी अच्छी डेस्टिनेशन है ये, इसके पीछे साइड भी है। यहाँ से भी आ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य है, नवंबर का महीना है, सुबह सुबह बारिश हुई है। ये देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं आप मंदिर, यहाँ से भी रास्ता है। चलिए नीचे, ये देखिए कितनी अच्छी झांकी बनाई है। यहाँ से अब अंदर चलेंगे, देखिए इनके दरवाजे कितने अच्छे हैं, एंशिएंट लेवल के सब। देखिए इतना बड़ा मंदिर है ये, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब शान मंदिर बंद है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा है व्यू, देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ से ये देखिए वो ऊपर हमारा होटल है जहाँ पे हम आज ठहरे। कल हम यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ से। ये देखिए ये है छोटा सा टाउन कल्पा। ये देखिए यहाँ की ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ये देखिए कितनी अच्छी व्यू है। हम ये रास्ते से अभी चलते जा रहे हैं। जिसको भी पूछो यहाँ पे पहले कोई 1 किलोमीटर बोलता है, फिर आगे आगे 2.5 होता है, और 2.5 का 3 किलोमीटर हो जाता है। बट मज़ा आ रहा है पहाड़ों पे ऐसे रह के, इतनी शांति है यहाँ पे, और ये इतने ब्यूटीफुल नज़ारे। वो देखिए वो टॉप पे किन्नर कैलाश है। और ये देखिए अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ी छोड़ के चल के आइए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे मिलते। देखिए हम अब जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। कितनी अच्छी वादियाँ है यहाँ पे, आप चल के आइए, थोड़ा बॉडी भी वार्म होती है और मज़ा भी आता है। चलिए आगे बढ़ते।
चुकी है। चलते चलते हम कहाँ पे आ गए, नीचे का नज़ारा देखिए, अभी भी हमें बहुत दूर जाना है यहाँ से। इस रास्तों पे यहाँ से चलते जाएंगे आगे पहुँचते। चलिए ये देखिए, यहाँ से आगे जाने पे रोला क्लिफ आता है, एक ऐसे नीचे से जाती है। बस ये व्यू पॉइंट है वहाँ पे, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हमें लगा था सुसाइड पॉइंट है, बस सुसाइड पॉइंट आगे ऑन द रूट पे मिलता है। तो अब यहाँ से हम रिटर्न चले जाएंगे। चलिए, तो अभी पता चला है यहाँ पे कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने पे है एक सुसाइड पॉइंट। यहाँ के लोकलों से पूछने के बाद उन्होंने बोला 200 मीटर पे ही है। तो अब हम आ ही गए, तो हम सोचे अभी कर ही ले, फिर मौका नहीं मिलेगा, ये जवानी नहीं मिलेगी हमें ऐसे चलने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते। सो ये हम आ चुके अभी सुसाइड पॉइंट में। ये देखिए, ये आपको बोर्ड मिलेगा आई लव किन्नौर, और यहाँ से ये देखिए यहाँ का सुसाइड पॉइंट बोला जाता है। ये देखिए कैसा रास्ता है। हमें एक चाचा चाची मिल गए जिन्होंने हमें थोड़ा ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, इस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट बोला जाता है। आगे से दिखाता हूँ, ये देखिए इस क्लिफ को ही बोला जाता है। ये देखिए, ये रास्ते से हम आए, यहाँ पे हमें फिर जाना है। थैंक यू सो मच चाचा। हाँ देख ले, देख ले। कहाँ से आप? हम मुंबई से। मुंबई से मैं चाचा मिले, हेल्प कर रहे आगे जाने के लिए। ये देखिए, पूरा एप्पल ही एप्पल है यहाँ पे, सब छाट रहे एप्पल अभी इसमें से। ये देखिए, अब बज रहे 3:10, जब मौसम कैसा बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, अगर आप आना चाहते हो अपने परिवार के साथ। हम यहाँ से रेस्ट करेंगे, चलिए आगे मिलते हैं। शाम का वक्त हो चुका है, ये देखिए किन्नर कैलाश है सामने। शाम के वक्त देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, वो देखिए सामने, सामने मोनेस्ट्री है। बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग बज रहा है, बुद्धिस्ट सॉन्ग। और इसी के साथ हम इस रात को अलविदा कहते हैं। कल सवेरे हम नाको या टावो की तरफ निकल जाएंगे। ठंडी मस्त हो रही है यहाँ पे। चलिए इसी के साथ गुड नाइट, शबा खैर।